अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन का फॉर्मेशन। तो यूरिन का फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो तीन स्टेप में है। पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा ट्यूबुलर सिक्रीशन, तीसरा ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। ठीक, तो जब आप लोगों को नेफ्रॉन पढ़ाया गया था तो उसमें तीन चीज़ें पढ़ाई गई थी, फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन और रीअब्सॉर्प्शन। तो नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट जो है अलग अलग कार्य कर रहे थे, यानी फिल्ट्रेशन कर रहे थे कुछ पार्ट, कुछ पार्ट किसी चीज़ को सिक्रीट कर रहे थे और कुछ पार्ट जो है कुछ चीज़ों को रीअब्सॉर्ब कर रहे थे। तो आपको वो चीज़ें इसमें लिखनी होंगी। ठीक है, उसके आगे हम लोग इसमें लिखेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो हमारे बॉडी में वाटर, सॉल्ट या दूसरे सब्सटेंस पाए जाते हैं। ठीक, तो ये हमारे ग्लोमेरुलाई में जाकर के फ़िल्टर होते हैं। जब ग्लोमेरुलाई में फ़िल्टर होते हैं तो एक मिनट में 100 ml ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है। ये फिल्ट्रेट फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल को पास कर दिया जाता है। ठीक, फिर उसके बाद होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है जो कि कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स में होता है। बॉडी के ब्लड में जो एक्सेस अमाउंट में जो भी सब्सटेंस पाए जाते हैं वो इस प्रोसेस के माध्यम से एलिमिनेट होते हैं, जैसे पोटेशियम, हाइड्रोजन और दूसरे ड्रग ट्यूबुलर सिक्रीशन के माध्यम से एलिमिनेट या एक्सक्रीट होते हैं। ठीक, फिर तीसरी चीज़ आती है ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। ठीक, तो जो हमारी किडनी होती है, ठीक, तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, ठीक, तो एक मिनट में 100 ml ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है। ठीक, इस हिसाब से एक घंटे में 6 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनेगा और एक दिन में 1.5 लीटर यूरिन बनता है। ठीक, जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो बन होता है, जो हमारे फ्लूइड्स होते हैं उसमें से 99% भाग रीअब्सॉर्ब हो जाता है और 1% भाग ही हमारा यूरिन के फॉर्म में बाहर जाता है। ठीक, वाटर का रीअब्सॉर्प्शन जो होता है वो कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स और कलेक्टिंग ट्यूबुल्स में होता है और बाकी दूसरी चीज़ों का रीअब्सॉर्प्शन रीनल ट्यूबुल्स में होता है। इन तीनों प्रोसेस के माध्यम से यूरिन बनता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। जब एक बार यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है कलेक्टिंग ट्यूबुल्स में, उसके बाद ये किडनी के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, ब्लैडर के बाद ये यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर निकल जाता है। इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, यानी जो किडनी होती है, किडनी में जो भी प्रोसेस हो रहा है फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन और रीअब्सॉर्प्शन, उसके लिए एक प्रेशर की ज़रूरत है, क्योंकि अगर प्रेशर नहीं होगा तो जो फ्लूइड होगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें तीन तरह का प्रेशर काम करता है। पहला है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जिसे GHP कहते हैं। ये प्रेशर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में पाया जाता है। इसी प्रेशर के माध्यम से जो वाटर है और जो सॉल्यूट्स हैं ब्लड में वो आगे बढ़ते हैं। इस प्रेशर की वैल्यू होती है 50 mmHg। दूसरा है कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इसे CHP कहते हैं। ये जो प्रेशर होता है ये फिल्ट्रेशन के अगेंस्ट कार्य करता है। ठीक है, इसे बैक प्रेशर भी कहते हैं और इस प्रेशर की वैल्यू होती है 10 mmHg। ठीक, तीसरा आता है ग्लोमेरुलर कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे GCOP भी कहते हैं। ठीक, ये प्रेशर भी फिल्ट्रेशन के अगेंस्ट कार्य करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो फिल्ट्रेशन में प्रोटीन्स मौजूद होंगे, जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन, ठीक, तो इनकी अवेलेबल और इनकी उपलब्धता के कारण ये फिल्ट्रेशन के अगेंस्ट कार्य करता है ये प्रेशर। इस प्रेशर की वैल्यू होती है 30 mmHg। ठीक, तो हम लोगों को नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कैसे मिलता है, उसके लिए एक फार्मूला होता है, NFP इज इक्वल टू GHP माइनस GCOP प्लस CHP। इस तरह से हम लोग करेंगे तो 10 mmHg वैल्यू आएगी। जो ये वैल्यू आ रही है प्रेशर की, यही नॉर्मल फिल्ट्रेशन और नॉर्मल फिल्ट्रेशन प्रेशर की वैल्यू होती है। ठीक, अब हम लोग आते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पर। ठीक, तो जैसे आपको बता दिया गया है एक मिनट में 100 ml जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है और एक दिन में 1.5 लीटर के लगभग यूरिन बनता है। ठीक, तो ये फिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद सिक्रीशन होता है, उसके बाद रीअब्सॉर्प्शन होता है। ये सब इसलिए हो पाता है
क्योंकि ग्लोमेरुलस में कैपिलरीज पाई जाती हैं और कैपिलरीज की परमियबिलिटी के कारण ये सब प्रोसेस हो पाता है। अगर कैपिलरीज में परमियबिलिटी ना पाई जाए तो ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा। और दूसरी चीज़, अगर ये तीनों प्रेशर अगर नहीं पाए जाएंगे तो जो फ्लूइड होगा वो भी कैपिलरीज में फ्लो नहीं कर पाएगा ठीक से, ठीक है। इसलिए जो है वाटर को और जो सॉल्यूट्स हैं उनको फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के चारों तरफ घुमाने के लिए, ठीक, उनको फिल्टर करने के लिए, सिक्रीट और एब्जॉर्ब करने के लिए इन प्रेशर्स की आवश्यकता होती है।